घर से निकालने की धमकी दी, मारने की धमकी दी, तो उसके लिए बहुत ही डरावना स्पेस था। उसको लगता था ये जगह मेरी कभी भी मुझसे छिन जाएगी और मुझे फिर से उस गंदी जगह पर जाना पड़ेगा और फिर से वही काम करना पड़ेगा। हेलो, आई एम हिमानी चावला। माय इंस्टा हैंडल इज हिमानी चावला, HEMANI, डोंट फॉरगेट दैट, एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बुजुका टीवी। हाय एवरीवन, मैं हूं आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बुजुका टीवी। वेल, आज हमारे साथ दबंगी मुलगी की फेमस एक्ट्रेस जिन्हें आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया हुआ है, वेल उनसे ही जानते हैं उनके बारे में। हाय हिमानी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, 15 साल लाइफ का 15 साल इंडस्ट्री में दिया है आपने, थोड़ा सा जर्नी के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि एक एक्टर के लिए लाइफ उनकी रोलर कोस्टर जैसी होती है, क्या कहना चाहोगे? जैसे आपने बोला ना, सब ऐसे फ्लैशेस आने लग गए मेरे। मैं दिल्ली से हूँ और 15 साल पहले आई वॉज वेरी यंग जब मैंने यहाँ मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स अपने सपने पूरे करने के लिए आई थी। तो जब मैं आई थी तो ऑफकोर्स मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, आई एम एन आउटसाइडर और मैं एक्टर बनने भी नहीं आई थी, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं सिर्फ पैसा कमाने आई थी। सो मुझे जब ऐसे अपने आप कुछ चीज़ें ऑफर होने लगी, काम ऑफर होने लगा, बिकॉज ठीक ठाक दिखती थी तो लोगों को लगा काम भी कर लेगी, बट टू बी वेरी फ्रैंक मैं बहुत बुरी एक्टर थी। और जो भी सीखा मैंने ऑन फ्लोर सीखा। मेरा पहला शो जी के साथ में था, तो जब मैंने काम करना शुरू किया तब मैंने सीखना शुरू किया, करते करते ऑन फ्लोर मैं सीखती गई। बीपी सर वो शो डायरेक्ट करते थे और बहुत सिखाया उन्होंने मुझे, और फिर उसके बाद में काम मिलता रहा, काम करती रही। ऑफकोर्स 15 साल हो गए अगर, तो मैंने बहुत काम किया, लेकिन वो कहते हैं ना, इतना काम करने के बाद भी इन एवरी शो आई ऑलवेज फेल्ट आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। वो जो इंडस्ट्री से जो एक ड्यू आई फील, वो मुझे अब तक नहीं मिला है। ओके, वेल, बट हमने ये भी देखा कि एक आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपके लाइफ में उनका किस तरीके का योगदान रहा, उसके बारे में जरूर जानना चाहिए। मुंबई आने से पहले आई लॉस्ट माई डैड, तो वो मेरे साथ नहीं थे। मम्मी बहुत सपोर्टिव रही हैं, स्पेशली मेरी सिस्टर मेरे लिए हमेशा मेरी मदर का रोल प्ले करती आई है। मेरी बड़ी दीदी मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रही है, मम्मी ने बहुत साथ दिया। जब भी मैं ऐसे डाउन फील करती थी, शी वॉज ऑलवेज देयर, माय सिस्टर वॉज ऑलवेज देयर। तो यस, फैमिली बहुत क्लोज रही है मेरे और बहुत प्यार दिया उन्होंने हमेशा। रिजेक्शन कितने झेलने पड़े, क्योंकि एक एक्टर के लिए रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जितना ईजी लगता है वो होता नहीं है, तो आपके लिए कैसा रहा? जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग वॉज वेरी ईजी टू मी, आई डोंट नो, मुझे मैं आई और मुझे सडनली काम मिलता गया। मुझे कभी आई नेवर यूज टू, मतलब मुझे इतना हंट नहीं करना पड़ा काम के लिए। बट फिर एक दौर ऐसा आया था बीच में जब बिल्कुल काम नहीं था। किसे पता है, कोविड आया था तो बहुत सारे एक्टर्स को घर बैठना पड़ा था, इंडस्ट्री में काम कम हो चुके थे, उसके बाद कितनी चेंजेस आई है? देखो, काम की ना कभी भी कमी नहीं थी। हाँ, वो एक टाइम ऐसा था, कोविड का एक पीरियड ऐसा था कि लोग सब अपने घर थे, बहुत लोगों ने अपने काम से ब्रेक लिया, तो उनको मज़ा भी आया, जैसे कि बहुत लोग अपने फैमिली टाइम को एंजॉय करते, हैप्पी स्पेस में थे। लेकिन हाँ, उस टाइम पे थोड़ा स्लो ज़रूर हो गया था प्रोसेस, बट काम कभी भी इंडस्ट्री में कम नहीं है। अभी आप देखो ना, OTT स्पेस ओपन हो गया है, फिल्म है, TV सीरियल्स है, रियलिटी शोज है, तो इतना कुछ है। मुझे नहीं लगता कि काम की कभी कमी थी, बट हाँ, सही काम मिलने में टाइम लग जाता है कभी कभी। करेक्ट, बट अभी जो आप करेंट शो कर रहे हो दबंगई मुलगी, उसमें किस तरीके का किरदार है, क्या आप कर रहे हो, ये जरूर आपके फैंस तक बताइए। ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वैसे। वो कहते हैं ना, वो सास बहू के ड्रामा से थोड़ा सा अलग है। तो यस, ये शो मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है लोगों को देखने के लिए। और स्पेशली जो मेरा कैरेक्टर है शो में, कस्तूरी, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। उसका रीज़न ये है, बहुत चटपटी है, मज़ेदार है। ये मैं लीप के पहले की बात बता रही हूँ। तो ये शो इनसिक्योर हमेशा से रही है, बिकॉज उसका जो बैकग्राउंड है एक डांसर का रहा है, तो वो जिस स्पेस से आई थी इस घर में, उसको हमेशा लगता था कि मुझे कभी भी निकाल देंगे।
तो बहुत ही उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल जर्नी रही. उसने कैसे अपनी एक डांसर से एक बड़े घर की बहू बनी, जिसमें उसकी मदर इन लॉ ने उसको बहुत बार घर से निकालने की धमकी दी, मारने की धमकी दी. तो उसके लिए बहुत ही डरावना स्पेस था. उसको लगता था ये जगह मेरी कभी भी मुझसे छिन जाएगी और मुझे फिर से उस गंदी जगह पर जाना पड़ेगा और फिर से वही काम करना पड़ेगा. बट वो अपनी जर्नी बनाती गई, अपना स्पेस बनाती गई. कहते ना वो उल्टे सीधे तरीकों से किसी भी तरह अपनी जगह बना ली उसने. बहुत सारे लोगों को अपनी जगह से हटाया भी और उनकी जगह पे आके बैठी. और फिर अब जब लीव के बाद शी इज इन अ वेरी काम स्पेस आई वुड से. उसको पता है कि अब ये जगह मैंने कमाई है, मैंने जीती है. इस जगह पर मैं बहुत मेहनत के बाद पहुंची हूँ. जो उसके हस्बैंड भाव साहेब है उनका प्यार मिला है और अब फाइनली मुझे वो सीएम की गद्दी पर बिठाने वाले हैं. अब मैं सीएम बनने जा रही हूँ. तो यस, कस्तूरी की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, बहुत मजेदार रही है और मैंने जैसे कहा बहुत चटपटी रही है. हेमानी कितना कस्तूरी से रिलेट कर पाती है, रियल लाइफ में कितना मैच हो रहा है आप दोनों की स्टोरी? बिल्कुल भी नहीं, अपोजिट कह सकते, बिल्कुल ऑपोजिट है. इसीलिए शायद मुझे ना इनिशियली इस कैरेक्टर को करने में ना बड़ी तकलीफ हुई थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसे पकड़ूं. मतलब ये कैरेक्टर को कैसे मैं अपने अंदर उस तरह से समाऊं कि लगे कि मैं ही कस्तूरी हूँ. इसमें बहुत मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि हिमानी बहुत ही सिक्योर, बहुत ही काम और मज़ेदार इंसान है. कस्तूरी हमेशा उल्टा सोचती है, हमेशा वो क्या कहते हैं उसको, तीन तिगड़ी में लगी रहती है कि कैसे इसको हटाऊं और इसकी जगह पे बैठ जाऊं. तो कस्तूरी और हिमानी में जेन्युइनली बहुत डिफरेंस है और इस कैरेक्टर को पकड़ने में मुझे बहुत मुश्किल हुई है एक्चुअली. एज एन एक्टर आपको कभी नेगेटिव कमेंट्स आए हैं तो ऐसे कुछ? मैं सच बताऊं, ये कैरेक्टर जब मुझे ऑफर हुआ था मैं थोड़ी डरी हुई थी कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है, क्या मुझे गालियां पड़ेंगी, क्या मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, क्या वो मैं कमौलिका स्पेस में चली जाऊंगी. सबने इनिशियली बोला भी दूसरी कमौलिका बनना है, दूसरी कमौलिका बनना है क्या. बट जैसे जैसे मैं ये कैरेक्टर प्ले करती गई, मैंने इस पे थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ा सा मज़ेदारपन, आज का पन, आज की विलन वो बनने का ट्राई किया. तो कमौलिका तो नहीं, बट मैं कस्तूरी बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने वो कस्तूरी को एक अलग एलिमेंट के साथ में ट्राई किया लोगों तक पहुंचाने का. तो कभी ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए होंगे? क्योंकि एज एन एक्टर एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव कमेंट्स आते ही है, या तो आपके नेगेटिव रोल्स को लेकर, या फिर ऐसा कि जो किरदार वो पसंद नहीं करते होंगे, जो उनको ऐसा लगता होगा कि आप रियल लाइफ में. सच बताऊं, सबने बोला हमें कस्तूरी बहुत पसंद आती है. बीइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर मैं लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि बहुत ह्यूमरस थी वो. कोई भी अगर कांड भी कर देती थी ना तो बहुत ही मजे से चीजों को खेलती थी. हमेशा उसने प्ले किया अपने कैरेक्टर के साथ में, तो हमेशा लोगों को पसंद आया है. और मुझे जितने भी कमेंट्स जैसे कि आपने मुझसे पूछा आए हैं, तो वो एक ही आए हैं कि कस्तूरी बड़ी मज़ेदार है, बड़ी फनी है. जब वो कुछ कांड करती है उसके बाद जैसे वो प्ले अलॉन्ग करती है अपने, यू नो, फूल लगाती थी तो फूल के साथ में और मज़े लेके काम करती थी, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया और मुझे हमेशा अप्रिसिएशन मिला कस्तूरी के लिए. एज एन एक्टर आपको टीआरपी कितने मैटर्स करते हैं?